हेलो इन्वेस्टर, क्या ऐसा कभी हुआ है कि सर हमने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट किया था, मैं 6-7 साल इन्वेस्ट किया बट मेरे को रिटर्न्स नहीं मिले। मेनी टाइम इट हैपेंस कि वी स्टे इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड लेकिन हमको रिटर्न्स नहीं आते। रिटर्न्स क्यों नहीं आते आज मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, एंड उसका रीजन है वी डोंट डू पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग। तो आज मैं बात करूंगा कि पोर्टफोलियो को रिबैलेंस क्यों करना पड़ता है, उसको कैसे करना है, उसके लिमिटेशंस क्या है और उसके इंपॉर्टेंस क्या है। आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, एंड मीनवाइल इफ यू वांट टू ओपन फ्री डीमैट अकाउंट नीचे लिंक दिया है इसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। तो गाइस पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग। सिंपल लैंग्वेज में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। तो आपके पोर्टफोलियो में ओनली शेयर्स है, म्यूचुअल फंड्स है, बॉन्ड्स है, डिबेंचर्स है, उसको बाय भी करना और सेल भी करना, उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग। अब ये उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका इंपॉर्टेंस ये है कि मैंने जब इन्वेस्ट किया था एक पर्टिकुलर एसेट मिक्स था कि 60% इक्विटी 40% डेट, वो मेंटेन है कि नहीं क्रॉस चेक होता है। सेकंड थिंग, काफी बार अपने को अच्छा प्रॉफिट होता है हम बुक करना भूल जाते हैं तो अपन प्रॉफिट भी उसमें बुक कर सकते हैं। तीसरा जो पैरामीटर है, रिस्क मैनेजमेंट बराबर होता है क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट 1 साल पहले किया था, अभी 3 साल हो गए तो ट्रेंड बदलता है, उसके हिसाब से रिस्क पैटर्न भी चेंज होते हैं। तो जो करंट ट्रेंड है इफ यू एडजस्ट योर पोर्टफोलियो अकॉर्डिंगली आपका रिस्क भी क्या होता है, मिनिमम होता है। तो ये इंपॉर्टेंस है कि व्हाई इट इज टू बी डन। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू डू इट सर, ये आपने तो बता दिया, हमको भी समझ में आ गया। अब इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपका एग्जिस्टिंग एसेट एलोकेशन क्या है, देखो कितने डिबेंचर्स है, कितने बॉन्ड्स है, एफडी है, गोल्ड है, ज्वेलरी है, शेयर है, यूलिप है। तो फर्स्ट आइडेंटिफाई द करंट एलोकेशन, देन चेक करो व्हाट इज द आइडियल एलोकेशन ऑफ एसेट बेस्ड ऑन द करंट मार्केट सिचुएशन, एंड अकॉर्डिंगली जो भी प्लस माइनस है, या तो शेयर्स को बेचना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, जो भी आप उसको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब बाय सेल करना पड़ेगा। लेकिन ये जब आप बाय करेंगे या सेल करेंगे, स्पेशली सेल करते समय टैक्स कॉन्सिक्वेंस आपको ध्यान में रखना जरूरी है, एंड ये करने के बाद भी यू हैव टू चेक, मॉनिटर, इवेल्युएट योर पोर्टफोलियो। So ideally, कितने समय में करना चाहिए, इफ यू आस्क मी एटलीस्ट वंस इन 3 months यू शुड टेक रिव्यू ऑफ योर पोर्टफोलियो, गो टू योर कंसल्टेंट, उसको बताओ कि भाई अपन ने ऐसा किया था, ये परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये करना है। नेक्स्ट, नाउ अभी कब करना चाहिए सर, अभी मैंने आपको एक आंसर दे दिया 3 months में, बट आइडियली 1 year के बाद आपने करना चाहिए। ये पहला कंडीशन है कि एटलीस्ट आफ्टर ईयर, क्योंकि उस इन्वेस्टमेंट को ग्रो होने के लिए टाइम तो लगेगा। सेकेंड, अगर आपने जो रिटर्न एक्सपेक्ट किए थे, लेट्स से आपने रिटर्न एक्सपेक्ट किए थे 20%, लेकिन आपको रिटर्न 12% ही आ रहा है, तो आपका जो एक्सपेक्ट रिटर्न है एक्चुअल में अगर वेरिएशन अराउंड 5-10% से ज्यादा है, 2-3% ठीक है बट 5-10 ज्यादा है, तो आपने जरूर करना चाहिए, या फिर बेस्ट ऑन टाइम। काफी लोग 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं पैसा, टैक्स और ऐसे भी 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, तो ये टाइम के बाद भी करना चाहिए। तो आप देखो आपके लिए कौन सा क्राइटेरिया परफेक्ट सूट होता है, अकॉर्डिंगली आपको रिव्यू करना है। अब इसके कुछ लिमिटेशन बताऊंगा जो आखिरी पॉइंट होगा। सबसे पहले लिमिटेशन, इससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ते हैं, बिकॉज़ टू रीबैलेंस द पोर्टफोलियो यू कीप ऑन सेलिंग एंड बाइंग द शेयर्स, म्यूचुअल फंड, व्हाटएवर इट इज, तो कॉस्ट बढ़ जाता है। सेकंड थिंग, सम टाइम अपने कहा था म्यूचुअल फंड शेयर बेचते हैं क्योंकि परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट आगे जाके वही परफॉर्म बेटर करता है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा करते हैं, 3 साल में अच्छा नहीं करेंगे बट 5 साल में बहुत अच्छा करते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी मिस हो सकता है। वो एक साइकिल होता है, जिस साइकिल में वो एकदम अप हो जाता है, वो साइकिल अपन मिस कर सकते हैं। एंड सबसे पहला, बार बार रिबैलेंसिंग करने के लिए यू नीड लॉट ऑफ एक्सपर्टाइज, तो ऐसे एक्सपर्ट आपके पास होने चाहिए जो आपको हेल्प कर सके। तो इतनी सारी चीजें अगर आपने ध्यान में रखी तो आई गारंटी आपका पोर्टफोलियो भी सही तरह से बैलेंस होगा, एंड आपका जो फाइनेंशियल गोल है वो अच्छे से अचीव होगा। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, एंड मैं जानना चाहता हूँ कॉमेंट में बताएंगे कि आप आपका पोर्टफोलियो कैसे बैलेंस करते हैं, कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।